सुप्रभात बच्चों, आशा आप सब स्वस्थ हों। आज हम हिंदी के नए अक्षर सीखेंगे। श, स और ह। श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हाथी। श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हाथी। इन्हें कैसे लिखना है? श, सबसे पहले हम प पतंग बनाएंगे। आप पहले बनाना सीख चुके हो ना, प पतंग इस तरह से, ठीक है। अब प पतंग की ये जो हमने स्मॉल लाइन लगाई है, यहाँ से यहाँ तक एक स्मॉल स्लैंटिंग लाइन लगाएंगे ऐसे, तो ये क्या बन गया? श से षटकोण। स, पहले हम स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, फिर इसके लेफ्ट में स्मॉल कर्व देंगे लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ से हमने छोटी सी स्लैंटिंग लाइन लगानी है और लाइन को नीचे वाले से टच कर देना है इस तरह से, दोनों लाइनों को ज्वाइन नहीं करना। और फिर यहाँ मिड में से हमने स्लिपिंग लाइन लिख के स्टैंडिंग लाइन के साथ ज्वाइन कर देनी है। इसको ऊपर से भी स्लिपिंग लाइन लगाएंगे। ये क्या बन गया? स से सपेरा। आगे है ह। अब यहाँ पर हम एक स्मॉल स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, बिल्कुल छोटी ऐसे। अब यहाँ से स्मॉल कर्व देंगे इस तरह से, और इस कर्व को थोड़ा सा आगे बढ़ा के नीचे डाउन लिख के जाएंगे और यहीं पे छोड़ देंगे। फिर दोबारा से हम यहाँ से एक और कर्व देंगे और नीचे वाली लाइन के साथ टच करेंगे, ऊपर स्लिपिंग लाइन। तो ये क्या बन गया? ह से हाथी। आपने इसी तरह श, स और ह का अभ्यास करना है। धन्यवाद।